नाजरीन आदाब, डायरेक्टरेट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस की तरफ से हफ्तावार प्रोग्राम सुकून का ताजा शुमारा लेकर हम आपकी खिदमत में एक दफा फिर हाजिर हैं। नाजरीन, यूं तो कोविड जैसे आलमी वबा ने समाज के हर तबके को मुतासिर किया है, लेकिन औरतों और बच्चों पर इस वबा के नफसियाती और समाजी मनफी असरात कुछ ज्यादा देखने को मिले हैं। इसी सिलसिले में आज हमने अपने स्टूडियो में दावत दी है डॉक्टर सईद फरहाना असगर जी को, जो कि महकमे सोशल वेलफेयर में बहैसियत डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर अपने फराइज अंजाम दे रही हैं। मैडम, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आपका खैर मकदम है इस प्रोग्राम में। शुक्रिया, शुक्रिया। मैम, जैसे कि हम देख रहे हैं कि पैंडेमिक की सिचुएशन है और इस सिचुएशन को आपने ग्राउंड रियालिटी पे फेस किया है, तो मैम इस सिचुएशन में जो डिफरेंट हमारे सेक्शंस है उनके क्या इस पैंडेमिक के असरात है, आप इस बारे में थोड़ा सा हमें बता दीजिए। जी, जो ये पैंडेमिक है COVID-19, नेवर बिफोर सिचुएशन है, ऐसा कभी किसी ने देखा नहीं, सुना नहीं, तो सभी तबके इससे मुतासिर हुए हैं। मैं बताना चाहूंगी, लेकिन जो हमारा सबसे गरीब तबका है जिसको हम BPL कहते हैं, वो वाली जो पॉपुलेशन है वो इतनी ज्यादा मुतासिर हुई है इससे, क्योंकि उनका इकोनॉमिक सेटबैक लगा है उनको इसकी वजह से। जो डेली वेजर्स थे, जो रोज के अपने लेबर काम करते थे, उन लोगों को बहुत ज्यादा सेटबैक लगा है इस वजह से। तो काफी चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं हमें, हमारे डिपार्टमेंट को, इन लोगों को एट पार लाने में, इनको मेन स्ट्रीम में लाने में, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है जो ये स्किल करते थे, जो ये काम करते थे, वो आजकल रिकॉग्नाइज नहीं हो रहा है। इवन कि जो बड़े लोग थे, जो मिडिल क्लास को ताल्लुक रखते थे या हायर क्लासेस को ताल्लुक रखते थे, वो भी सफर कर रहे हैं इस पैंडेमिक की वजह से, इकोनॉमिक स्लो डाउन की वजह से। तो काफी सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बहुत अच्छी पहल रही इसमें, जिसकी वजह से जो ये पेंशंस थे, जो ओल्ड एज पेंशन स्कीम्स हैं या विडो पेंशन स्कीम्स हैं हमारी, वो डायरेक्टली बेनिफिशियरी के अकाउंट में आती रही। तो इससे एक बैकअप मिला इन लोगों को, कुशनिंग मिली इन लोगों को, जिसके सहारे से ये तैरते रहे, डूब नहीं गए। तो मुझे लगता है कि एक बड़ा वेलकम स्टेप था गवर्नमेंट का, जिसमें कि लोगों को मजबूर नहीं होना पड़ा बाहर निकलने के लिए। और कोविड सिचुएशन में जबकि लॉकडाउन था, तो इन लोगों को घर में ही सहूलियत फराहम होती रही। जी मैडम, जो हमें देखने को मिला है कि जैसे डिफरेंट रिसर्च हुई है कि जो वुमेन और हमारा जो वल्नरेबल सेक्शन है उसमें काफी चैलेंजेस उनको भी, जैसे हमारी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है या वुमेन है या छोटे बच्चे हैं, उन्होंने उनके ज्यादा इस कोविड का ज्यादा इम्पैक्ट हुआ है, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी, ये तो पूरी दुनिया में देखा गया है कि कोविड की वजह से, लॉकडाउन की वजह से लोग कन्फाइन हो गए अपने घरों में, और घरों में कन्फाइन होने का एक नुकसान ये रहा कि हस्बैंड वाइफ की, हस्बैंड की बच्चों के साथ थोड़ी मुठभेड़ ज्यादा होने लगी, क्योंकि ऑब्वियसली जब मर्द घर से बाहर निकलता है काम करने या औरत घर से बाहर निकलती है, तो उनकी एनर्जी जो है वो चैनलाइज हो जाती है। तो जब ये एनर्जी चैनलाइज नहीं होने लगी और लॉकडाउन की वजह से उनको कन्फाइंड अपने घरों में रहना पड़ा, तो इस वजह से काफी बार देखा गया कि औरत और मर्द में काफी झगड़े होते गए, और उस वजह से डोमेस्टिक वायलेंस जैसी चीजें बहुत ज्यादा सामने आई। जहां 5 केसेस महीने में आते थे, वहां 5 केसेस दिन में आने लगे। कंप्लेंट्स काफी वुमेन सेल में आने लगी, वुमेन हेल्पलाइंस में आने लगी। तो इसके बारे में मैं आपको एक ही एडवाइस देना चाहूंगी कि ये जो पैंडेमिक सिचुएशन है, ये सबके लिए बराबर है। सब लोग इकोनॉमिक बैकवर्डनेस फील कर रहे हैं, सब लोग स्ट्रेस्ड आउट हैं, सबको वेंट आउट की जरूरत है। इसका ये मतलब नहीं है कि हस्बैंड अपनी वाइफ को टारगेट करे, क्योंकि वो कमजोर है उससे। हमेशा हस्बैंड को अपनी वाइफ पे हाथ उठाने से पहले ये सोचना चाहिए कि क्या ये वही लड़की है जिसको मैं इतनी इज्जत से ब्याह के अपने घर में लाया था, क्या ये डिजर्व करती है, ये मेरे से मार खाना डिजर्व करती है, और क्या मैं अपने आप को दोबारा फेस कर पाऊंगा जब ये सिचुएशन खत्म हो जाएगी। तो ये 2-3 सवाल अगर इंसान अपने आप से पूछ लेगा, तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत रोकथाम हो जाए डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस में।
लेकिन ये इंसान तक है, ये अपने तक है इंसान को, कि वो कैसे बिहेव करता है, अपने आप को कैसे चैनलाइज करता है, पढ़ के चैनलाइज करता है, लिख के चैनलाइज करता है, या अपनी एनर्जी को और चीजों में यूटिलाइज करता है जिससे कि मुठभेड़ कम हो जाए उनमें आपस में। हम जैसे देखने को मिला है कि वुमेन अब्यूज, जैसे डोमेस्टिक वायलेंस की जैसे आपने बात की, हम जैसे जब आपके पास ऐसे केसेस आते हैं जो जैसे कोई भी औरत हो वो मुतासिर हो इस वाले घरेलू तशद्दुद से, तो मैम आप इसको कैसे एज डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर कैसे इसको आप निगेट करती है, कैसे आप टैकल करती है? जो ये वाले केसेस है ना, जो डोमेस्टिक वायलेंस केसेस है, वो पहले पुलिस के पास जाते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो कि पुलिस को अप्रोच करना चाहते हैं इन चीजों के लिए, लेकिन जब बहुत हद से ज्यादा जुल्म हो जाता है तो ये औरतें हेल्पलाइन पे कॉल करती हैं या पुलिस को कॉल करती हैं, तो पुलिस उनको हेल्प आउट करने के लिए आ जाती है। तो सोशल वेलफेयर का ये रोल रहता है कि हम उन औरतों को कुछ देर के लिए, नारी निकेतन है हमारे पास जहां पे हम उनको शेल्टर कर सकते हैं, जहां पे उनकी काउंसलिंग कर सकते हैं, उनके हस्बैंड्स की काउंसलिंग कर सकते हैं, और इन लोगों को वापस नई जिंदगी शुरू करने के लिए हम एनकरेज करते हैं। लेकिन अल्टीमेटली ये है कि सोसाइटी को ये सोचना है कि कोई बाहर का आके आपको चेंज नहीं कर सकता है, आपकी लाइफ को ट्रैक पे नहीं ला सकता है, आपको मिलजुल के एक दूसरे का सहारा बनना है। जैसे कि हमारे इस्लाम में भी है कि औरत और मर्द एक दूसरे का लिबास होते हैं, पर्दा होते हैं, तो हमें चाहिए कि हम इस जो हमारी इस्लामिक सेइंग है उसी को फॉरवर्ड ले जाएं और अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें। जी, थैंक यू सो मच मैम। जैसे ये तो बात हुई हमारी औरतों की, या जैसे ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है उसको भी एक एज अ वल्नरेबल कम्युनिटी हम समझते हैं, और इस कोविड की वजह से उनका भी थोड़ा वेलफेयर का थोड़ा मसला हुआ है, लेकिन जैसे कि आपने कहा है कि सोशल वेलफेयर हमेशा आगे आया है वल्नरेबल सेक्शंस को उठाने के लिए, तो मैम ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए आपके पास कौन सी स्कीम्स है? जी मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट फील कर रही हूँ कि हमने ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए इस साल, हमारी जो डीजी हैं, डीजी सोशल वेलफेयर रुखसाना गनी मैडम, उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया है ट्रांसजेंडर्स के लिए भी एक पेंशन स्कीम। क्योंकि हम जानते हैं जो ट्रांसजेंडर्स हैं अनफॉर्चुनेटली सोसाइटी में अनएक्सेप्टेबल हैं, एक्सेप्टेबल नहीं है, और वो स्कूल्स नहीं जाते हैं, उनकी पढ़ाई नहीं हो पाती है, वो काम नहीं कर पाते हैं, तो उन लोगों को एक बेनिफिट देने के लिए सोशल वेलफेयर की स्कीम है। ऑल दो इस वक्त पेंशन 1,000 रुपया महाना है, लेकिन उससे एटलीस्ट उनका डेली का खर्चा, थोड़ा बहुत दवाई का खर्चा, आना जाना, क्योंकि जो ये ट्रांसजेंडर है उसके पास माँ बाप भी नहीं है, उसके पास बच्चे भी नहीं है, उसके पास स्पाउस भी नहीं है, तो एक थोड़ा सा सपोर्ट हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से उनको है कि वो जो ट्रांसजेंडर्स हैं वो अपने आप को अकेला ना समझें, वो भी सोसाइटी का हिस्सा हैं और वो उनको भी हम मिंगल करना चाहते हैं अपनी सोसाइटी में। जी मैम, जैसे हमारी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है या और जो वुमेन कम्युनिटी है मैम, इनको प्रोसीजर नहीं पता होता है कि पेंशन के लिए कैसे अप्लाई करें, या ओल्ड एज स्कीम्स के लिए मैं जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं जिनको जो एलिजिबल है फॉर पेंशन, तो इनको प्रोसीजर पूरा पता नहीं होता है, तो मैम आप कुछ इस पे रोशनी डालेंगे कि कैसा क्या प्रोसीजर है, कैसे वो अप्लाई करें? जी जी, जो हमारे ओल्ड एज पर्सनल है 55 अबव फीमेल हो गई और 60 अबव मेल, जो कि बीपीएल से ताल्लुक रखते हैं, वो डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं अपने तहसील सोशल वेलफेयर ऑफिसर को फॉर फॉर्म्स फिलिंग, और जो हमें डेटा कलेक्शन करना होता है, वेरिफिकेशन करना होता है, वो हम तहसील लेवल पे करते हैं। उसके बाद ये वेरिफिकेशन होने के बाद हम इनका जो नेशनल पोर्टल है, नेशनल वेबसाइट पे इनका जो वेरीफाइड स्टेटस है वो डाल देते हैं, और जब ये वेरीफाई होके आ जाता है, टू लेवल वेरिफिकेशन प्रोसेस होता है, इनके अकाउंट्स में डायरेक्टली इनको ये फंड्स पहुंच जाते हैं और मंथली आते हैं ये फंड्स, तब तक कि हर 5 साल में इनको रिन्यूअल के लिए आना पड़ता है। तो ऐसा रहता है कि अगर किसी फीमेल को जरूरत है, जैसे वो विडो है और वो 55 ईयर से कम है, वो भी अप्रोच कर सकती है। कोई वुमेन इन डिस्ट्रेस है, खुदा ना खास्ता उसके पास कमाने का कोई जरिया नहीं है, बाकी चीजें हैं, वो अप्रोच कर सकते हैं डायरेक्टली। हमारे हर डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिस है और तहसील वाइज सोशल वेलफेयर ऑफिस हैं, जहां पे ये अप्रोच कर सकते हैं, फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, जो कि बहुत आसान है, और उसके बाद फिर इनको बार बार ऑफिस के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है, इनके अकाउंट्स में ही डायरेक्टली ये फंड हो जाता है।
थैंक यू मैम. जो बच्चे हैं या जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए आपके लिए कौन सी स्कॉलरशिप स्कीम्स है जो सोशल वेलफेयर की? सोशल वेलफेयर की बड़ी अच्छी स्कीम्स हैं जो कि मैं बड़े गर्व से कहना चाहूंगी कि 6 लाख बच्चे हमारे इस डिवीजन में, कश्मीर डिवीजन में, इस वक्त स्कॉलरशिप्स का फायदा उठा रहे हैं. तो ये जो बच्चे हैं ये प्री मैट्रिक भी हैं, पोस्ट मैट्रिक भी हैं और मेरिट कम मीन्स स्कॉलरशिप में भी आ जाते हैं. इसमें ओबीसी भी आते हैं और डीएनटी ट्राइब्स से, जो डी नोटिफाइड ट्राइब्स होती हैं उसमें से हैं, और बाकी जो हमारी पिछड़ी हुई ट्राइब्स हैं उनको बिलोंग करते हैं. तो इनफैक्ट हमारे पास इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शन के लिए भी स्कॉलरशिप्स हैं. तो मैं चाहती हूं कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे जो हैं वो इसमें अप्लाई कर सकें ताकि इन जो बहुत बेहतरीन स्कॉलरशिप स्कीम्स हैं हमारी गवर्नमेंट की उनका फायदा उठा सकें. तो मेरा यही रहेगा कि बच्चे और बच्चियों दोनों से कि अपना जो है आप पूरा हक का पूरा इस्तेमाल कीजिए, पूरा फायदा उठाइए इन गवर्नमेंट स्कीम्स का, क्योंकि आगे जाके आप ही हमारा मुस्तकबिल हैं. हमारा जो हमारी जो पहचान है वो आप ही से है. तो पूरी कोशिश कीजिए कि आप एजुकेटेड रहें, कमिटेड रहें अपनी पढ़ाई की तरफ और कुछ डिफरेंस ला सकें अपनी पढ़ाई से इस दुनिया में. मैम जो जिसे देखने को मिला है कि पैंडेमिक सिचुएशन की वजह से जैसे शादियां थी उसकी खर्चे जो है नहीं, माँ बाप नहीं उठा पा रहे हैं, तो उस रिलेटेड कोई ऐसी स्कीम जो सोशल वेलफेयर की तरफ से हो? जी अगेन ये भी मेरे लिए खुशी का मौका है इस वक्त आपको बता रही हूँ मैं. जो स्टेट मैरिज असिस्टेंस स्कीम है हमारी सोशल वेलफेयर की, वो एक बेहतरीन स्कीम है उन बच्चियों के लिए जिनके पेरेंट्स किसी वजह से उनका शादी का खर्चा नहीं उठा पा रहे, लेट मैरिजेस हो रही हैं उस वजह से. तो इन बच्चियों को 5 ग्राम गोल्ड तक का बेनिफिट दे रहा है डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिस, और उसके साथ इनको 25,000 रुपये भी मिल रहा है शादी का जो मिनिमम खर्चा होता है उसको निभाने के लिए. तो लेकिन इस चीज के लिए जरूरी है कि वो उन बच्चियों का नाम सर्वे में होना चाहिए. ऐसा नहीं है कि हर कोई आ सकता है इसका फायदा उठाने के लिए. जो यहाँ 2014 में सर्वे हुआ था जिसके तहत बच्चियां जो थी वो मैरिजेबल एज को पहुंचने वाली थी, उस सर्वे को लेकर आज हम उन बच्चियों को एनरोल कर रहे हैं जिनकी शादियां नजदीक हैं या शादियां होने वाली हैं, उन बच्चियों को एनरोल कर रहे हैं ताकि स्टेट से उनको कुछ फंडिंग मिल सके अपनी शादी के लिए. मैम जैसे अभी हम बात कर रहे हैं कोविड सिचुएशन को लेकर के, और हमने देखा है कि थोड़ा सा इकोनॉमिक इम्पैक्ट तो हुआ ही है डेफिनेटली, तो मैम इस सिलसिले में स्पेसिफिकली विमेन अपने आप को कैसे एम्पावर करे और कैसे, और आपके लिए विमेन्स सेक्शन या वल्नरेबल सेक्शन के लिए क्या मैसेज होगा? मेरे ख्याल में वुमेन को एम्पावर करने के लिए सिर्फ एक चीज चाहिए, वो है उसकी एजुकेशन. अगर फीमेल एजुकेटेड है उसको कोई भी हरा नहीं सकता है, किसी भी लेवल पे नहीं हरा सकता क्योंकि वो इंडिपेंडेंट है. इंडिपेंडेंट से मेरा मतलब ये नहीं है कि सिर्फ वो पैसे कमाने में इंडिपेंडेंट है, वो डिसीजन मेकिंग में भी इंडिपेंडेंट है. तो मुझे लगता है कि ज्यादा से ज्यादा माँ बाप को, पेरेंट्स को, घर वालों को चाहिए कि वो अपनी बेटियों को पढ़ाएं, उनको इक्विप करें, सोसाइटी के लिए तैयार करें. और ये जो डिस्करेजिंग हमें कभी कभी देखने को मिलता है कि छोटी लड़कियों की, माइनर गर्ल्स की शादी करवा दी जाती है, आजकल वो ट्रेंड है थोड़ा बहुत कोविड सिचुएशन की वजह से, लेकिन मैं चाहती हूँ कि पेरेंट्स एक स्टैंड लें, अपनी बेटियों को किसी तरह से कम नहीं समझें, उनको एजुकेट करें, उनको स्कूल जाने दें, उनको कॉलेज जाने दें, उनको फुल्ली इक्विप करें ताकि वो सोसाइटी को फेस कर सकें. आखिरकार उनका दुख फिर फाइनली पेरेंट्स का ही दुख होगा. तो इसलिए कोशिश ये रहनी चाहिए पेरेंट्स की कि जितना हो सके उनको पढ़ा सकें और उनको अपने पैरों पे खड़ा होने दें. थैंक यू सो मच फरहाना जी, इट वाज लवली टॉकिंग टू यू. थैंक यू सो मच, आपने इतना वक्त निकालकर हमारे को. थैंक यू सो मच. तो ये थी डॉक्टर सईद फरहाना असगर जी, जिन्होंने हमें बताया कि सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की तरफ से हमारे वल्नरेबल सेक्शन के लिए कौन सी स्कीम्स है. आज के शुमारे में बस इतना ही, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी. सेफ रहिए.